मॉर्निंग एवरीवन. रात को हो गया फीवर, तो अभी उठाऊं, अभी दवाई ली है तो अभी थोड़ा बेटर है. अभी थोड़ा सा पौधों को पानी देके, थोड़ा सा खाना वाना खा के फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि बॉडी पूरा दुख रहा है. इसमें स्प्रे तो हो नहीं पाए हैं, तो थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा. कल करेंगे स्प्रे, आज नहीं पाएगा, तो पहले ये हटा लेते हैं जितने भी है. काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं. कैसे हो जाते हैं? हो जाते हैं, प्लांट्स के ऊपर तो लगी नहीं. तो ऐसे ही हटा देंगे अभी थोड़े से, उसके बाद में कल मारेंगे इसके ऊपर स्प्रे, ताकि ज़्यादा ना हो जाए. जितने ज़्यादा होंगे उतना ग्रोथ नहीं हो पाती है. ये जो भी नए लीव्स होते हैं उन पे ही लगते हैं जाके. चलो अभी तो इतना ही काफ़ी है, बाद में कर लेंगे. गाइस अब थोड़ा सा लंच वंच बना लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा रेस्ट करेंगे, इनको अभी भी फीवर है. लंच बनाना शुरू करते हैं. वुडन बॉक्सेस आने में बड़ा टाइम लग जाएगा, और जिस तरह से पहले मैं वेजिटेबल्स उगाता था वो थोड़ा सा कम हो गया है. तो अभी कुछ करते हैं, यहाँ से ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से उठा के जो सब्जी वाले प्लांट्स वाले जो कंटेनर्स हैं उनको हम दूसरी वाली बालकनी में ले जाएंगे. और ये जो पालक है, ये पालक तो अभी हो गई है ख़त्म, अब इसको भी निकाल देंगे. और ये जो करी पत्ता वगैरह को उसको, और ये पुदीना है, इन सब को, मिर्ची को ले जाएंगे दूसरे वाले बालकनी में. अभी हम किचन गार्डनिंग का और जो वुडन बॉक्सेस का हम सोच रहे हैं, तो प्लांट्स को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो आगे आने वाले एक दो दिन में हम इनको करेंगे. आज तो नींद ही बहुत आ रही है, अभी खाना पीना करके सो गए थे, अभी दोबारा उठे हैं. थकावट ज़्यादा ही लग रही है आज, इतना कुछ लगता नहीं है वैसे मुझे कि इतनी थकावट कभी मेरे को होती नहीं है. मैं रात की नींद काफ़ी होती है पूरी थकावट निकालने के लिए, बट आज कुछ ज़्यादा ही थकावट हो रखी है. चलो कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी चलते हैं. वो अभी बना रहे हैं थोड़ा सा मैंगो शेक, थोड़ा सा मतलब कि दो गिलास तो बन ही जाएंगे. Thank you.
पानी चला के साफ कर लेते हैं और उसमें ढालेंगे। इनके लिए तो अलग अलग से ही कंटेनर्स चाहिए होंगे, तो ऐसे ही नहीं कुछ भी रख देना है यहाँ पे। कुछ थोड़ा सा प्लान करके ही बनाने पड़ेंगे कि उधर से गमले कौन से रखने हैं तो इधर कौन से हैं। तो पहले तो हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी कौन कौन से प्लांट्स हमारे पास है और वो कहाँ कहाँ हम रखेंगे और किस किस कंटेनर में रखेंगे, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी ये दिख रहा है कि किस कभी कहीं कुछ रखा हुआ है कहीं कुछ रखा हुआ है। तो उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, वो हम कल करेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।